वैसे तो रेंज ओवर कार है, इसके ऑलरेडी स्पीकर सही थे लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने भैया को बोला इसको अपग्रेड करने के लिए। भैया ने अपग्रेड किया और भैया ने इसमें कोई DSP कोई एम्पलीफायर नहीं लगाया, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले स्पीकर सभी लगाए हैं। आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है। ऑडिशन की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी कि अगर इसमें आप बेस ना भी लगाएं पीछे तब भी इसके चारों स्पीकर जो हैं ऑडिशन के। यही चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर जिसको नॉर्मल बेस चाहिए तो आप लोग स्पीकर से भी मतलब नॉर्मल बेस ले सकते, इतनी अच्छी से आउटपुट रहे। और भैया हमारे स्कॉर्पियो कहीं से करवाए, भैया बताओ आप स्कॉर्पियो लोगे आओगे नहीं लेके आओगे? नहीं लेके आओगे। काम अच्छा लगा आपको? गाइस ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो कि नई वीडियो आज हमारे पास आई है डिस्कवरी स्पोर्ट, जो हम इसमें ऑडियो सेटअप कर रहे हैं। जो ऑडियो सेटअप रहने वाला है हमारा, ऑडिशन का ओल्ड सेटअप है। फ्रंट हम 3 बे लगा रहे हैं, रियर हम 2 बे लगा रहे हैं और इसके साथ सब वूफर हम एक्टिव लगा रहे हैं, जो विद एम्पलीफायर आता है। काफ़ी प्रीमियम सेटअप कर रहे हैं जिसको हाई एंड समझ लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो हमारा फ्रंट 3 बे रहता है, ओचे सीरीज का फ्रंट 3 बे रहता है, ओचे सीरीज का पीछे 2 बे रहता है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले जो सबवूफर एक्टिव लगा रहा हूँ, जो काफ़ी जो बेस धमाका मचाता है, काफ़ी धमाल बेस है। इसके अंदर जो बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो काफ़ी मुझे मज़ा आता है। कि मतलब कि अभी मैंने स्कॉर्पियो की वीडियो आप लोगों को दिखाया था, जो बेस चाहिए ना कि मतलब कि जो कान को चाहिए वो चीज़ मिलता है। मैं आप लोग को सबवूफर दिखाता हूँ, जो इसकी सबवूफर की बॉक्स है आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बॉक्स दिखाता हूँ कि कितना छोटा सा बॉक्स है ये, मतलब कि ये नहीं लगता इसमें से क्या बेस आएगा। लेकिन भैया ये 800 वाट की सबवूफर है और 400 RMS है सबवूफर। और जो इसके सबसे बड़ी चीज़ है, जो एम्पलीफायर है, ऑडिशन के एम्पलीफायर है और एक्टिव सबवूफर है। आप लोगों को देख रहा हूँ मैं, सेटिंग्स भी दिखाता हूँ यहाँ से। देखो बास्ट बूस्ट मतलब फ्रीक्वेंसी, LPF का गेन, सारे चीज़ सेटिंग है। और कल को आपको निकालना हो तो बिल्कुल प्लग एंड प्ले, आप बिल्कुल वूफर को बाहर भी निकाल सकते हैं। और साउंड क्वालिटी की तो भैया जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब जिस गाड़ी में लगाया तो मतलब सारे जो हमारे भैया आते हैं लगवाने के लिए सब खुश हो के जाते हैं। इसके साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसके अंदर ना बुफर स्टैंड है, और बुफर स्टैंड में क्या है, बेलक्रो लगा हुआ है कि जो हम नीचे हमारा कारपेट मैट होता है उसके साथ बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है कि किसी गड्ढे में जाए, यानी कि बुफर यहाँ से वहाँ जा रहा है और वहाँ से यहाँ आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना। तो वो चीज़ होता ही नहीं है। तो मैं वो चीज़ आपको गाड़ी में दिखाऊंगा। तो जो स्टैंड की फिटिंग है आप लोग देख सकते, प्लास्टिक का भी है, होल में मतलब कि लगा रखे हैं और ये निकल बाहर निकल के होल से इसके अंदर स्क्रू लग के मतलब कि स्टैंड लग जाता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारे कारपेट गाड़ी के साथ बिल्कुल पकड़ बन जाता है। और बूफर जो होता है हमारे रिवर्स लगा देते हैं, तो रिवर्स बूफर में क्या होता है कि बेस क्वालिटी काफ़ी और अच्छी मिलते हैं। एक तो हम जैसे रखते हैं कि बूफर के मुँह ऊपर रखते हैं नॉर्मल, और जब हम रिवर्स करते हैं उससे हमें क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी मिलती है, जो हमारे ऑडिशन में है और किसी सब बूफर में नहीं कि हम रिवर्स रख सकते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता। लेकिन ऑडिशन की क्वालिटी ऐसी है कि रिवर्स इस बूफर भी रख सकते हो, हिसाब से डिजाइन करे हुए हैं। और बेस क्वालिटी भी काफ़ी मज़ा आता है। जो हमने फिटिंग करी है 3 बे 2 बे और सबवूफर की, तो मैं आप लोगों को गाड़ी में दिखा दूंगा कि कैसे किस हिसाब से फिटिंग होनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में लोग काम करने में कई बार डरते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊंगी कि वायरिंग कैसे करिए, स्पीकर कैसे लगाए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने। तो चलते हैं गाड़ी के पास, आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग हम जो स्पीकर फिटिंग करें वो दिखाते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमने फ्रंट का मिड बेस लगाए हैं, जो आप लोग को दिख रहे होंगे, जो काफ़ी जो कंपनी फिटिंग दी है काफ़ी अच्छी फिटिंग दी है। जिस हिसाब से गाड़ी के नाम है उस हिसाब से आप क्वालिटी देख सकते हो कि बिल्कुल इसमें डैम्पिंग की ज़रूरत भी नहीं है। हमने डैम्पिंग नहीं करी है कि डैम्पिंग की ज़रूरत भी नहीं, इतनी चद्दर इसकी मतलब हैवी है कि हम डैम्पिंग भी नहीं करी है। और जो इसके ट्विटर है आप लोग को मैं ट्विटर दिखाता हूँ, जो स्टॉक लोकेशन है बहुत अच्छे ट्विटर है, जिस हिसाब से हम ट्विटर लगाए उस हिसाब जगह दी हुई है, जो आप लोग को दिख रहे होंगे फ्रंट के साइड से आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब अच्छे फिटिंग आया ट्विटर का भी, हमने स्टॉक जगह पर लगाए। और जो इसके मिड रेंज है, मिड रेंज भी डोर्स पे दिए हैं, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ, जो हमने ऑडिशन के मिड रेंज इंस्टॉल करें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका मिड बेस आ गया है और ये मिड रेंज चेक कर सकते हैं, जो ऑडिशन के हमने मिड रेंज लगाया 3.5 इंच की। इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आए, किसी ने करवाना हो इस गाड़ी के अंदर तो आप लोग
आसानी से ऑडिशन का सेटअप करवा सकते हैं। मिड रेंज की साइज़ भी सेम मिल गया, स्पीकर की मतलब कोई चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ कटिंग कुटिंग करना पड़े, बिल्कुल जैसे प्लग एंड प्ले होता है ना कि जैसे ओएम फिटिंग होता है उस हिसाब से फिटिंग हुआ है। और जो उन्होंने ट्विटर भी दिखाया आप लोगों को, ट्विटर की भी काफ़ी अच्छी फिटिंग आया, उसी हिसाब से हमने जो रियर डोर है उसमें अच्छी फिटिंग आई। तो मैं रियर डोर का भी दिखा देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ा कि कुछ कटा पेटी कुछ भी नहीं, मतलब जो जगह बनी हुई कंपनी के हिसाब से बिल्कुल एक्चुअल फिट हो गया और काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। और थोड़ी देर में आप लोगों में जो सबवूफर की फिटिंग है वो भी दिखाता हूँ, अभी सबवूफर की फिटिंग हम कर रहे हैं, लास्ट में जब फाइनल होगा तो उसका फिटिंग दिखाऊंगा किस हिसाब से फिटिंग करी है। तो आ चुके वूफर के पास, जो मैं आप लोगों को सबवूफर बताया था, जो वूफर की फिटिंग है जो रिवर्स हम रखते हैं सबवूफर उसके हिसाब से स्टैंड लगता है, और जो नीचे हमारा डिक्की मैट है उसके साथ वेलक्रो बिल्कुल चिपक जाता है, और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो एक कपलर है बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, ये आपका बेसनो भी निकल जाता है, यह इनपुट की तार है ये भी निकल जाता है, आप इसको डिक्की से बाहर भी डिटेच करके बाहर निकाल सकते हो। और जो इसके बेस की क्वालिटी है जिस हिसाब से काफ़ी छोटा साइज है तो काफ़ी आउटपुट अच्छा मिलता है। बाकी आप लोगों को मैं साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। सो गाइस पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जिस हिसाब से गाड़ी है कि थोड़ा गेट उठना थोड़ा जो दूसरी गाड़ी उनसे थोड़ा सा अलग तरीके से खुलते हैं, लेकिन हमने इसको जो जैसे खोले वैसे बंद कर दिए। आप लोगों को ये नहीं पता पड़ेगा कुछ की लॉक दिक्कत आ रहा है, कुछ चीज़ें बैठा नहीं है, मतलब जिस हिसाब से कंपनी बैठा हुआ था पहले उस हिसाब से हमने दोबारा डोर्स खोल के बैठा दिए। और बात करें आउटपुट की, काफ़ी मज़ा आ गया, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आउटपुट सुनाता हूँ। मज़ा आ गया, बहुत रात हो गई हम काम करते करते, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना चाह रहा हूँ। और जो हमारे गाड़ी वाला भैया है उनको भी काफ़ी मज़ा आ गया, क्योंकि इसके अंदर जैसे एमली फैन लगाया, भाई प्लग एंड प्ले किए, जो इसके अंदर कंपनी फ्रेंड एमली फेयर है उससे हमने फ्रेंड एक्टिव चलाए और पीछे टू वे भी चलाए, और जो सब वूफर है एक्टिव उसमें से एमली फेयर लगे होते हैं, तो काफ़ी हमें मतलब आउटपुट के मज़ा आ गया। तो चलते हम गाड़ी वाला भैया के पास, उनसे आप लोगों को हम फीडबैक दिलाते हैं। तो आ चुके हम भैया के पास। भैया एक चीज़ बताओ, आप मतलब काम करवाने कैसे आए वहाँ पर? जी मैं बरेली से आया हूँ, मैंने भैया की वीडियो यूट्यूब पर देखी थी, तो मुझे लगा कि एक बार भैया के साथ काम करके देखना चाहिए कि भैया का साउंड सिस्टम फिटिंग कैसी रहती है। मेरी गाड़ी में पहले स्टॉक स्पीकर्स लगे हुए थे लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भैया के पास आया, मैंने बोला कि मुझे थोड़ा बेस ज़्यादा चाहिए, ट्रिबल वगैरह भी कम आ रहा था, तो भैया ने स्टॉक स्पीकर्स चेंज करें। वैसे तो रेंज ओवर कार है इसके, ऑलरेडी स्पीकर्स सही थे लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने भैया को बोला इसको अपग्रेड करने के लिए, भैया ने अपग्रेड किया। भैया ने इसमें कोई DSP कोई एम्पलीफायर नहीं लगाया, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले स्पीकर सभी लगाए हैं, आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है। और बाकी अभी महीने 15 दिन में और सुन के इसको देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं, जो भैया ये कार है ना इसमें एम्पलीफायर लग के आते हैं जी, अगर हम DSP एम्पलीफायर अपग्रेड करेंगे इसे मतलब पॉजिटिव जाएगा, मतलब इसे प्लस होगा, लेकिन अभी भी कोई कमी महसूस नहीं हो रहा है। मतलब जिन भाई के पास स्पीकर डैमेज हो तो आप लोग करवा सकते हो, कि मतलब जिसके एमली फायर भी पावर काफ़ी अच्छी आउटपुट लगी मुझे, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे अपग्रेड करते अगर एमली फायर DSP डालेंगे तो है कि 99% अपग्रेड तो हो, मतलब प्लस पॉइंट जाएगा, लेकिन अभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुआ। जो इसकी बेस की क्वालिटी, ट्रेबल, वोकल एक एक चीज़ आ रही है, और जो वॉल्यूम की लाउडनेस की बात है वो भी कमी महसूस नहीं हुआ। तो भैया जिस हिसाब से आप पहले भी गाड़ी में काम करवाए हो, जो काम करके हम दिए इसमें कैसे क्वालिटी लगा, वो काम करने का तरीका जो है मुझे भैया अच्छा लगा पहले से, क्योंकि मैं अपनी स्कॉर्पियो का भी दूसरी जगह से काम कराया था लेकिन मुझे वहाँ पे संतुष्टि कम मिली थी, इसलिए मैं भैया के पास आया। मैंने कहा भैया के साथ एक बार काफ़ी वीडियोस नेट पे देखी थी भैया की, तो सब भैया की बहुत तारीफ़ करते हैं। साउंड मैंने भी सुना, गाड़ी का साउंड अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने एम भी नहीं लगाया, कुछ लगाया, प्लग एंड प्ले में भी मज़ा आ रहा है जी बिल्कुल। हाँ, अगर हम अपग्रेड के चांस ये नहीं कि हम भैया DSP भी लगा दिए कुछ लगा दिए, कुछ नहीं, जो गाड़ी के अंदर है, मैंने पहले गाड़ी करी थी उसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हमें प्लग एंड प्ले में मज़ा आ गया, तो उसी हिसाब से हमने सेटअप करें। क्योंकि जो अगर हम कंपनी फिटेड भी काफ़ी इनके अच्छे होते हैं लेकिन हम अपग्रेड करते हैं तो कोई अच्छे स्पीकर देने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ऑडिशन के भैया को बताया कि ऑडिशन भैया वीडियो भी काफ़ी देखा है, तो जिस हिसाब से हम वीडियो ऑडिशन के दिखाते हैं उस हिसाब से इनकी क्वालिटी है क्या कहते हो भैया, जो इसकी मिड बेस है जो फट जी, ऑडिशन की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी कि अगर इसमें आप बेस ना भी लगाएं पीछे तब भी इसके चारों स्पीकर जो हैं ऑडिशन के, यही चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर जिसको नॉर्मल बेस चाहिए
तो आप लोग स्पीकर से भी मतलब नॉर्मल बेस ले सकते, इतनी अच्छी से आउटपुट रहे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हो भैया क्या बोलोगे, यहाँ काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? मैं तो कहूँगा ज़रूर कि भैया के पास एक बार आके ज़रूर अपनी कार की ऑडियो में आप अपग्रेड कराइए। भैया का काम बहुत अच्छा लगा मुझे, वायरिंग भी भैया ने काफ़ी अच्छी करी, नीट एंड क्लीन करी है, सारे तार को कवर किया है, काम मुझे अच्छा लगा। और भैया हमारे स्कॉर्पियो कहीं से करवाए, भैया बताओ आप स्कॉर्पियो लोगे आओगे नहीं लेके आओगे? काम अच्छा लगा आपको, सब ठीक है? तो आप लोगों को मैंने भैया से रिव्यू दिला दिया, ये नहीं कि भैया पैसे दे के रिव्यू दिलाते हैं, जिस हिसाब से हम क्वालिटी का काम करते हैं उस हिसाब से हमारे खुद ही भैया बोलते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह काम करवाना तो आना कहना ड्रीम ऑडियो जो नियर रेमसनगर मेट्रो है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211222007, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप लोग लोकेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। ड्रीम ऑडियो भाई चंदू मैप पे डालोगे आप दुकान तक आ जाओगे, मेन रोड की दुकान है। अगर आप लोग के काम की क्वालिटी चेक करना हो, इंस्टाग्राम पेज भी है ड्रीम ऑडियो 0207, आप लोग वहाँ भी काम की क्वालिटी चेक से करते हो, ओरिजिनल गाने भी सुन सकते हो, जैसे इंग्लिश हिंदी डालते हैं, इसमें क्या होता है कि एनसीएस गाने डालते हैं, नॉर्मली उतनी क्वालिटी नहीं पता पड़ता है। तो वीडियो के यहीं करते हैं, भैया जय श्री राम। जय श्री राम।